अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और मेरी पूरी टीम की तरफ से, लाहौर न्यूज़ की तरफ से, पूरे दुनिया ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसे कि आपको पता है कि आज ईद का दिन है, पहला दिन है, बहुत ज़्यादा आपने सारा दिन मसरूफ़ रहे होंगे और इसके बावजूद आज इतना रश है। मुझे लगता है सुबह कुर्बानी वगैरह करके, गोश्त वगैरह बांट के अब जो तमाम लोग हैं वो घूमने फिरने आ गए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करने आ गए हैं। कुछ मूवीज़ जो हैं वो रिलीज़ हुई हैं, वो मूवीज़ देखने आ गए हैं और मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। तो मैं आज आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत सारे इनाम दूँगी, आपको ईद मुबारक विश करूँगी। तो आएँ हम अपने लोगों से बातें करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? गुलनाज। अब्दुल्ला। यूस्मा। कौन सी क्लास में हो? 7-5। ओके जी, मुझे बताएं क्या कुर्बानी की? बकरा लिया है। अच्छा जी, चलिए मुझे बताओ बकरे के साथ खूब खेले? यस। खेलता नहीं लगा? नहीं। उसको घुमाया फिराया? यस। अच्छा, ऐसा हुआ है कि जब बकरे के पास बैठे रहो तो वो खामोश हो जाए और जब उठ के जाओ तो बोलना शुरू कर दे? यस। हाँ, तो फिर क्या किया हल उसके बाद बैठे रहे? यस। सारा दिन नहीं, कभी मैं बैठ जाऊँ कभी बहन बैठ जाती है। सही ड्यूटी लगी है। चलो जी, मुझे ये बता दें आपसे मेरा सवाल है कि इंसान ने सबसे पहले किस जानदार का दूध पीना शुरू किया था इंसान के अलावा? गाय का। वो तभी भी पीते हैं, क्या खास है? बकरी का। क्लैपिंग करो अपनी मम्मा के लिए। चले जी, क्या शेयर करेंगे? रेसिपी है कढ़ाई का बताऊंगी, कढ़ाई बनाना। चिकन में सारी चिकन की नहीं है, बड़ी ईद है तो उसका बताएं। मटन में सारी चीज़ें मिक्स करके, प्याज लहसुन अदरक टमाटर नमक मिर्च सब कुछ मिक्स करके रख दे। थोड़ा सा जब टाइम गुजरे तो उसको घी डाल के उसको अच्छी तरह भून ले और फिर थोड़ी देर बाद जब गोश्त गल जाए और उसमें सब्ज मिर्च और धनिया डाल के उतार ले। जबरदस्त। और आप क्या शेयर करोगे? सॉन्ग लग दी है मैनू जिमें अमरा दी कुना मिट्टियां गला कर कुड़ी नमकीना पता चलक तेरा लक नी समाम नी होया बुरा हाल नी होया बुरा हाल नी तू आजा मेरे क्लोज मिल जाना मौका रोज आई वांट टू माय बेबे मुझे दे दे लव दोस्त तू आजा मेरे क्लोज मिल जाना मौका रोज आई वांट टू माय बेबे मुझे दे दे लव दोस्त ये चांद सा रोशन चेहरा बालों का रंग सुनहरा कैसे देखूं तेरी आंखें आंखों में चश्मे का पहला इस चश्मे को हटाओ जी आंखों से मिलाओ जी आंखों के नशीले जाओ आंखों से करवाओ जी लगता है हम पहले कभी मिले या ले जाओ इधर उधर कहाँ देखो लड़की आई एम टॉकिंग टू यू अब आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी दुनिया वाली जो भी बोली हमसे ना शर्माओ जी अब फोन तो उठाओ जी तो डैडी को मिलाओ जी उनके फ्यूचर से उनकी बात करवाओ जी हेलो अंकल नमस्ते चलो काम के बाद में आते हैं अब आप ये पूछेंगे आप कितना पैसा कमाते हैं बस जितना आपकी बेटी एक महीने में उड़ाती है एक हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती अंकल घर हो पैसा हो गाड़ी अब दो जोड़ों में लड़की दे दो लड़की हुई हमारी लगती है मैनू अमरा दी कोई ना मिट्टियां गला कर कुरी नमकीना तू आ जा मेरे क्लोज मिल जा ना मौका रोज आई वांट टू माय बेबे मुझे दे दे लव दोस्त। हाय, अब सांस भी ले लो। यो हनी सिंह। यो हनी सिंह। अच्छा मुझे ये बताओ ये गाना कितनी देर में याद किया? एक दिन में। बहुत लाइक लगती हो मुझे। अरे आप क्या सुनाएंगे?
ये लें जी, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। कर्शी जामे शेरी की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट पकड़ लें जी। नाजरीन बड़ा मजा आया लोगों से बातें कर रहे हैं और लोगों को जो है हम खूब ईदी दे रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? निशा। अब्दुल्ला मुनीर। क्या करते हो? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? ग्रेड 4। आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुझे बताएं क्या कुर्बानी की आप लोगों ने? बकरा। बकरा किया? मटन? बकरा मटन खाते हो? यस। क्या खाते हो उसका? कढ़ाई। कढ़ाई खाते हो? ओके चलिए जी। मुझे बताएं कितनी देर में आपका जो है घर में कसाई आ गया था? सुबह सुबह मॉर्निंग में ही कर लिया था, 10 o'clock आ गया था टाइम से। जी टाइम पे आ गया, 12 बजे तक फारी गई। अच्छा, और जितना भी वेस्टेज है उसकी जितनी भी चीज़ें हैं जो आप फेंक देते हैं सड़कों पर, वो आपने सड़कों पे तो नहीं फेंक रही? सड़कों पे नहीं फेंकी। पक्की बात है? जी जी। क्या किया उसका? उसको वो गाड़ियाँ आती हैं उनको दे दिया था। चलो गुड हो गया। ओके, बकरे के साथ खूब इंजॉय किया था? यस। उसको फिराया? यस। ओके चलो जी। मुझे बताएं इंसान ने सबसे पहले किस जानदार का दूध पीना शुरू किया था? मैम आपने उस दिन क्वेश्चन पूछा था, मुझे इसका आंसर आसान। नहीं, इंसान का तो है ही, मैं पूछूं इंसान ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पीना शुरू किया था? सबसे पहले ऊंटनी। पता ही नहीं। पता ही नहीं। क्या सुनाओगे? सॉन्ग सुनाऊंगा। हाँ तो सामने देखो, ये लो माइक। डीजे तू ऐसा सॉन्ग चला दे, कुड़ियां अब नून चा दे, हला गुला लेस पार्टी टू नाइट, लेस पार्टी टू नाइट। जबरदस्त। और आप क्या सुनाएंगी? मैं फ्रूट चाट की रेसिपी बता दी। सामने देखे यार, आज कोई बकरा ईद है, कोई अच्छी रेसिपी बता दे। मटन कढ़ाई बता दे। बता दें मटन, मटन मटन को लेके तो हल्का सा फ्राई करके प्याज ब्राउन करके उसमें टमाटर डाल के उसको ऊपर लहसुन अदरक डाल के रख दे। जब गोश्त गल जाए उसके अंदर अदरक काट के थोड़ा सब्ज धनिया और सब्ज मिर्ची उसको ऑयल डाल के अच्छी तरह उसको फ्राई कर लें। उसके बाद थोड़ा सा फ्राई करने के बाद थोड़ा सा दही ऐड कर, दही का पानी खुश्क हो जाए उसको दम पे रख के उतार लें। ऊपर गार्निश के लिए एक सब्ज धनिया, सब्ज मिर्च और अदरक डाल के कढ़ाई। जबरदस्त। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, कर्शी जामे शीरी की तरफ से भी आपके लिए गिफ्ट। दौर से हाथ पकड़ो, भारी है जी। नाज़रीन बड़ा मजा आया, बकरा ईद है, लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ईद मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। ईद मुबारक। ईद खैर मुबारक। ओके जी, मुझे बताएं कि क्या नाम है आपका? ज़ारा। मलका। ओके मुझे बताओ कसाई कितने बजे आ गया था आज? 1 बजे आ गया। 1 बजे आ गया। लेट हो गया आज? ओहो, तो फिर जब तक बांटा होगा गो शाम होगी होगी। जी शाम होगी। चलो कोई नहीं। अच्छा आया कहाँ कहाँ से आया? नेबर्स की तरफ से आया था। नेबर्स की तरफ से। नेबर्स की तरफ से। चलो गुड हो गया। मुझे बताओ कि अमेरिका में सबसे पहले बकरी कौन लेकर आया था? कोई बात नहीं, मुझे बताएं क्या शेयर करेंगे आप? मैसेज मेरे के बताओ। लव योर पेरेंट्स, दे आर वेरी प्रीशियस। आप क्या शेयर करेंगे? मैं हेयर फॉल के हवाले से शेयर करूंगी कि जिसको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है वो कोकोनट ऑयल यूज़ करें, उसमें एलोवेरा जेल मिला लें तो वो आपका सही हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। ज़बरदस्त। ये ले जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ पे आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। कर्शी जामे शीरी की तरफ से भी आपके लिए गिफ्ट जी। नाज़रीन बड़ा मजा आया, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? अनूर। आपका नाम? मलिक हबीब। इरम। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। ओके जी, आप क्या करती हैं, कौन सी क्लास में? मैं 4 में। 4 में है। ओके जी, मुझे बताएं कि कसाई कितने बजे आ गया था? सुबह 7 बजे आ गया था। जबरदस्त जी, हमने उसको पहले ही एंगेज किया हुआ था।
اور عید سے فارغ ہوئے ہیں، قربانی وغیرہ کی ہے، اس کے بعد مہمان ہیں، سب نے مل کے ہمیں کھایا ہے، کھانا شانا کھایا ہے، مجھے ابھی فری ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم گھومنے پھرنے کے لیے ادھر۔ یہ بہت گڈ سے پورے پاکستان کو عید کی خوشیاں مبارک ہو۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ اچھا مجھے بتائیں، وہ جو کہتے ہیں کہ قربانی کے بعد گوشت الٹا لٹکا دینا چاہیے، تو لٹکوایا تھا؟ جی لٹکوایا تھا۔ اچھا کتنی دیر؟ وہ کم از کم پونا گھنٹہ لگا ہے۔ پونا گھنٹہ ہاں، اسے ہلکا ہو جاتا ہے نا؟ جی ہاں، پونا گھنٹہ لگا ہے اس کو، بس اسی طریقے سے اس نے پھر اس کو بنایا، اتارا، ایک ایک پارٹس کو علیحدہ کیا، بڑے سکون سے اپنی مرضی سے بنوایا اس کو، پھر سارے مہمان آئے ملنے کے لیے، ان کو پھر انہوں نے سب نے اکٹھے بیٹھ کے کھایا الحمدللہ۔ زبردست، یہ تو بڑی مزے کی عید ہوگی۔ چلے جی مجھے بتائیں کہ جو بکرا ہے اس کے کتنے اسٹمک ہوتے ہیں؟ ایک ہی؟ تین۔ اور سوچو۔ دو۔ ایک نہیں ہوتا نا، اگر ایک ہوتا تو یہ کوشچن ہی نہ ہوتا۔ چلیے جی کوئی بات نہیں، ہمیں بکرا کھانے میں انٹرسٹ تھا، اس کے اسٹمک میں نہیں تھا، کوئی بات نہیں۔ کیا شیئر کریں گے آپ؟ میں یہی شیئر کروں گا کہ گورنمنٹ نئی ہے پورے پاکستان کی، اس کی بھی مبارک دے، اس مہینے میں خوشیاں دوبالا ہوگی، تین خوشیاں آ گئی ہیں، عید بھی آ گئی، نئی گورنمی بھی آ گئی، 14 اگست بھی آ گئی، آزادی بھی مبارک، آزادی کی پورے ملک کو مبارک دیتے ہیں، عید کی مبارک دیتے ہیں، اور نئی گورنمنٹ ہے، اور ہمیں نئی گورنمنٹ سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اس پیٹرن پہ چلے اور اس ملک میں خوشحالی آئے، غربت ختم ہو، بے روزگاری ختم ہو، اور ملک کے ملک ترقی کرے، اور ہم اس خوشی سے ملک میں رہیں۔ زبردست۔ اور جی جناب آپ کیا سنائیں گی؟ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں پاکستان سے کہ وہ لوگ صفائی کا خیال رکھیں، اور اگر جن لوگوں نے کل قربانی کرنی ہے وہ لوگ غریبوں کا بھی خیال رکھیں، اور ان کو بھی قربانی کا تھوڑا سا گوشت کا حصہ دیں۔ ویری نائس، اتنے چھوٹے ہو، کتنی اچھی باتیں۔ اچھا مجھے بتائیں، جو اس کا سامان تھا جو لوگ سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں، وہ آپ نے سڑکوں پہ تو نہیں پھینکا؟ نہیں، نوٹ ایٹ آل۔ اس کے لیے علیحدہ سے ایک باسکٹ بنائی ہوتی ہے، اور اس کو کامی سائڈ پہ جو ایک علیحدہ سی جگہ تھی وہاں پہ بھری ہوئی ہے۔ زبردست، گلی محلے میں بالکل ایسی غلط نہیں پھیلتی۔ زبردست، لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گفٹ پکڑے۔ کرشی جامع شیری کی طرف سے بھی آپ کے لیے گفٹ۔ کرشی والے بہت باری گفٹ بناتے ہیں۔ جی ناز، یو ویلکم جی ناز، بڑا مزہ آ رہا ہے، عید ہے اور عید اسپیشل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی مزے مزے کی چیزیں، اور یہاں پہ ایک اسٹال لگا ہوا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گول گپے بھی ہیں، اور سب سے مزے کی بات ہے کہ ادھر لڈو پیٹھی بھی ہے، اوکے، اور یہ آئی تھنک گرم بھی ہے، اور یہاں پہ اس کے علاوہ کیا بن رہا ہے؟ یہ چکن اسٹرپس ہیں، اور یہ چکن لالی پاپس ہیں، اور یہ سب ہوم میڈ ہے۔ ویری نائس، تو اب آپ جو لوگ ہیں وہ صبح سے جو ہے وہ گوشت بنایا، انہوں نے کلیجی بنائی، تو اس کے بعد وہ بور ہو گئے ہوں گے، ادھر آئیں مزے مزے کی چیزیں کھائیں، کسی اور سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ ملائکہ۔ آپ کا نام؟ محمد فیضان۔ آپ کا نام؟ محمد ازان۔ کون سی کلاس میں ہو؟ 10th۔ 7 سیکنڈ ایئر۔ عید مبارک۔ خیر مبارک۔ اچھا جی چلے مجھے یہ بتا دیں، آپ نے کیا قربانی کی؟ 2 بکرے لیے تھے ان کی قربانی کی۔ واہ، اچھا بکروں کو لے کے گھومے پھرے؟ یس۔ تنگ تو نہیں کیا ان کو؟ نو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کو ٹافیاں شافیاں کھلائی تھی خوب؟ نو، کچھ بھی نہیں کھلایا، پٹھے وغیرہ کھلاتے ہیں۔ پٹھے کھلائے تھے۔ اچھا مجھے بتاؤ یہ پٹھے کہاں سے ملتے ہیں؟ گھر کے پاس دکان ہے۔ گھر کے پاس، وہ کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے آم گھاس وغیرہ سے؟ نو۔ آم گھاس ہوتی ہے؟ یس۔ اوکے، تو پھر گرمی گھر کی کھلا دینی تھی۔ چلے جی سوال کرتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے؟ مجھے بتا دیں آپ کہ کاؤ جو ہے اس کو کون سے 2 کلر ہیں جو نظر نہیں آتے؟ بلیک اور وائٹ۔ وائٹ؟ نو۔ تینوں نے غلط جواب دیا ہے، غلط۔ اچھا جی کیا شیئر کریں گی؟ میں ریسیپی بتا دیں، رائس بول کی ریسیپی ہے، پہلے رائس بوائل کریں، اس کے بعد جو بوائل چکن ہے اس کو اندر ڈالیں اور میش کریں، سویا سوس، چلی سوس، نمک، کالی مرچیں، اور پھر اس کے بول کی شیپ دے دیں، اور انہیں پھر بریڈ کرمز لگا لیں اور انڈا لگا کے انہیں فرائی کر لیں۔ زبردست۔ اور آپ؟ محبت برسا دینا تو ساون آیا ہے، تیرے اور میرے ملنے کا موسم آیا ہے۔ زبردست، چلو تینوں ایک دفعہ اونچا بولو، عید مبارک۔ عید مبارک۔ خیر مبارک۔ لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گفٹ۔ کرشی جامع شیری کی طرف سے بھی آپ کے لیے گفٹ۔ جی ناظرین کسی اور سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عید مبارک۔ خیر مبارک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عمران۔
आपका नाम? मोहम्मद जकरिया। किरण। बेबी का नाम? पूरिया। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। ओके जी, चलिए जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है? ठीक। मुझे बताएं, पहले तो आप ये बता दें कि आपने क्या कुर्बानी की? अभी बकरा। बकरा सामने देखना है, उधर देखें। बकरा किया। अच्छा, ठीक हो गया। कसाई कितने बजे तक आ गया था? 10:30 बजे। टाइम से आ गया? हाँ जी, पहले बुकिंग की हुई थी। ओके। अच्छा, जो उसका सामान होता है, वेन्स वगैरह जो भी, वो सड़क पे तो नहीं फेंकी? नहीं, वो हमने डिस्पोज ऑफ कर दी थी। गुड, वेरी नाइस। चले जी, मुझे बताएं क्या पकाया आज आपने? भुना हुआ गोश्त। जबरदस्त, वेरी नाइस। चले जी, आपसे सवाल करती, ठीक है? बकरे की उम्र का अंदाजा कैसे लगाया जाता है? दांतों से। अरे, दांतों से? नो, आप बताओ। पता नहीं। आप बताएं। ये पता, क्या शेर करेंगे आप? ये शेर सुन लें इससे। सुनाओ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। वेरी नाइस। और आप बताएं, ईद के हवाले से कौन सी रेसिपी बताएंगी? मैं भुना हुआ गोश्त बताया था ना, वो बता दे कैसे बनाया। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, गरम मसाला, ऑयल और गोश्त, और अच्छे तरीके से उसको भून लें तो रोटियों के साथ में। वेरी नाइस। ये लें जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। कर्शी जामे शीरी की तरफ से भी आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू जी। यू वेलकम जी। नाजिन, बड़ा मजा आया, बहुत रश है, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मुझे बता दें आज कितने बजे आ गया था कसाई? हमारा कसाई रात से ही ऑक्यूपाइड हो जाता है और वो सुबह सुबह 7:30-8 बजे पहुँच जाता है। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, जो वेन्स वगैरह और जितना भी फजूल सामान था वो सड़क पे तो नहीं फेंका? नहीं नहीं, उसके लिए हमने पहले ही रात को सामान तैयार किया हुआ था, बॉक्स एक बहुत बड़ा, कि सारा कचरा उसमें डाल के और उसको फिर वेस्टेज की जगह पे पहुंचाएंगे। अच्छा, अरे वाह, ये तो कमाल हुआ ना। तो अगर हम खुद ही पाकिस्तान को साफ नहीं रखेंगे, अगर इब्तदा खुद से नहीं करेंगे, तो फिर हम एक्सपेक्ट क्यों करते हैं दूसरों से कि पाकिस्तान साफ रहे? पहले हमें खुद से करनी पड़ेगी अपने घरों से, और इंशाल्लाह फिर पूरा पाकिस्तान भी नीट एंड क्लीन होगा। वेरी नाइस। चले जी, मुझे ये बता दें कि मेरा आपसे सवाल है, बकरे की उम्र का अंदाजा कैसे लगाया जाता है? उसके दांतों को देख के गिना जाता है कि ये कितने उम्र का बकरा है। अच्छा जी, पक्का जी? हाँ जी। जबरदस्त, वेरी नाइस। क्लैपिंग करें अपने लिए। ओके, और मुझे ये बता दें कि ईद के हवाले से अच्छी सी कोई गोश्त की रेसिपी बता दें। हाँ जी, मैं आपको काली मिर्च में मटन का कढ़ाई गोश्त बताती हूँ कि आप, सबसे इजी रेसिपी है, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डलते। उसमें आप पहले नमक में गोश्त को बिल्कुल खाली पानी में बॉईल करके नरम कर लें, और उसमें एक ग्लास जितनी यखनी रहने दें, अगर 1 kg जितना गोश्त है बस। फिर उसको, उस यखनी के को अलहदा ही एक पैन में आपने ऑयल ले लेना है, उसमें दही को फेंट कर डाल के वो यखनी भी डाल देनी है। जब वो थोड़ा सा ऑयल निकाले तो उस गोश्त को भी इसमें मिक्स करके और उसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है, और फिर उसमें काली मिर्च और अदरक डाल के उसको उतार लेना है। जबरदस्त। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। कर्शी जामे शीरी की तरफ से भी आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। यू वेलकम जी। नाजरीन, बड़ा मज़ा आया। जो लोग हैं वो ईद के हवाले से बहुत ही किस्म मज़े मज़े की जो है वो रेसिपीज बता रहे हैं। जी नाजरीन, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत रश है, मगर टाइम हो गया है ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं और ईद की बातें करते हैं। सो लेट्स हैव अ ब्रेक।